तो देखिए, मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ मेहमान अभी आने बाकी भी हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, G20 समिट की तैयारियों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन सा मेहमान कहां रुक रहा है, उसके लिए क्या खास व्यवस्था की गई है, क्या तैयारी इस वक्त चल रही है, देखिए उनकी इस रिपोर्ट को आप। सितंबर को G20 का शिखर सम्मेलन राजधानी दिल्ली में हो रहा है और यहां पर G20 के सदस्य देशों के अलावा 9 इनवाइटेड कंट्रीज का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है। लगभग 35 से 36 होटल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुक कर लिए गए हैं। इस वक्त मैं शंग्रीला होटल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रुकेंगे, जर्मन के चांसलर यहां पर रुकने वाले हैं और साथ ही शंग्रीला के ठीक सामने ही जब आप इस दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर ली मेरिडियन आता है, जहां पर इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन रुक रहा है, कुछ अन्य देशों का डेलीगेशन भी ली मेरिडियन में रुकेगा। लेकिन ताज पैलेस में चीन का प्रतिनिधिमंडल रुक रहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति ताज पैलेस में रुकेंगे और ITC मौर्या में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रुक रहे हैं और लगभग 400 से ज्यादा कमरे ITC मौर्या में अकेले अमेरिकी डेलीगेशन के लिए बुक किए गए हैं। वहीं ओबराय में तुर्की और रूस का प्रतिनिधिमंडल रुक रहा है और साथ ही होटल इंपीरियल में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधिमंडल रुकेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल है। कुल मिलाकर इन होटल्स में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है और यहां कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो मेहमान आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रह जाए। 9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, लेकिन पहली बार G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों ने कुछ खास भारत के लिए भेजा है। देखिए, भारत की जब सभ्यता और संस्कृति की बात हम करते हैं तो भारत अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। अब आपको दिखाते हैं कौन सा मेहमान हमारा कहाँ ठहरने वाला है, किस होटल में व्यवस्था की गई है, क्या खास तैयारियां की गई हैं, ये आपके सामने है। अमेरिका ITC मौर्य, इसके अलावा चीन की बात करें ताज पैलेस, ब्राजील ताज पैलेस, रूस द ओबराय, ये तैयारी, कौन राष्ट्र अध्यक्ष किस होटल में रुकेगा ये हम आपको बता रहे हैं। तुर्की की बात करें तो द ट्राइडेंट गुरुग्राम, यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है। ब्रिटेन की बात करें तो शांग्रीला और दलीला पैलेस, यहाँ ठहरने की व्यवस्था की गई है। सऊदी अरब दलीला में, इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो द क्लारिजस, यहाँ पर व्यवस्था की गई है इमानुअल माक्रो। इसके अलावा कौन राष्ट्र अध्यक्ष किस होटल में रुकेगा, अगली कड़ी में नाम आता है फ्रांस का, तो हमने आपको बताया। जर्मनी की बात अगर हम करें तो शांग्रीला है, इटली हयात या JW मैरियट। तो इस तरीके से हमारे मेहमानों की रुकने की व्यवस्था की गई है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कहां कहां ठहरने वाले हैं, कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष किस होटल में रुकेंगे, कहां किसके लिए व्यवस्था की गई है। तो G20 समिट से जुड़ी लगातार हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किस राष्ट्र अध्यक्ष की तरफ से क्या कुछ भेजा गया है, क्या तैयारियां की गई है, लगातार विशाल आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उनकी एक और अपडेट रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। G20 के लिए दिल्ली सज गई है, अब इंतजार है तो बस मेहमानों का। G20 देशों ने बढ़ चढ़कर भारत की सांस्कृतिक मुहिम में हिस्सा लिया है। 20 देशों ने भारत मंडपम के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भेजी है। भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में G20 देशों की सांस्कृतिक झलक देखी जा सकती है। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों ने कुछ खास भारत के लिए भेजा है। भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में दुनिया की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। जो सदस्य देश हैं G20 के, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने देश का एक खास सांस्कृतिक जो कृतियां हैं उसे भारत को भेजा है, जिसे भारत मंडपम के कल्चर कॉरिडोर में रखा जाएगा। भारत ने यूं ही वसुधैव कुटुंबकम का थीम नहीं दिया है, इसके पीछे पूरा विश्व एक परिवार वाली सोच है। भारत ने ऋग्वेद से अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को जोड़ा है। भारत ने योग, गंगा, कुंभ और हिमालय को जगह दी है।
तो अब आपको बताते हैं सांस्कृतिक महत्व की उन अनूठी विरासतों के बारे में जिसे दुनिया ने G20 भारत के लिए भेजा है। पहली है पाणिनि अष्टाध्यायी, दूसरी है फाउआ लीडेड जार जिसे किंग राजवंश के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी विरासत है इटली की बेल्विडियर अपोलो, ये ग्रीक देवता अपोलो का प्रतिनिधित्व करती है। चौथी है ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा की कॉपी। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का एक कानूनी परिपत्र है जो सबसे पहले सन 1215 ईस्वी में जारी हुआ था। पांचवी है सिंगापुर के एनी वाटर की बॉटल और छठी है मॉरिशस की विरासत रवन्ने की। रवन्ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये सभी फिजिकल तौर पर भारत मंडपम में मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं प्राकृतिक विरासत की जिन्हें दुनिया ने G20 भारत के लिए भेजा है। पहला है अमेरिका का ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क जो दुनिया के प्रमुख प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है। दूसरी है नेदरलैंड्स की वाडेंसी जो दुनिया की सबसे बड़ी ज्वारीय समतल प्रणाली है जहां प्राकृतिक प्रक्रियाएं काफी हद तक बिना किसी बाधा के चलती रहती हैं। तीसरी है ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक विरासत। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के गेटबॉल टाइडल फ्लैट्स हैं। अर्जेंटीना का इगुआजा नेशनल पार्क है और भारत की तरफ से हिमालय, गंगा, हिंद महासागर, रॉयल बंगाल टाइगर और लिविंग रूट ब्रिज है। यही नहीं, भारत मंडपम में लोकतांत्रिक प्रथाओं से संबंधित कलाकृति भी रखी जाएंगी। भारत की तरफ से ऋग्वेद पांडुलिपि की फिजिकल कॉपी रखी गई है जिसमें लिखा है कि कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, टुगेदर लेट यू दो अग्री। भारत इसके जरिए ये बताना चाहता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अमेरिका की तरफ से स्वतंत्रता के चार्टर की कॉपी रखी जाएगी तो फ्रांस की तरफ से नागरिकों के अधिकारों के घोषणा पत्र की कॉपी रखी जाएगी और दक्षिण कोरिया की तरफ से पहले लोकतांत्रिक चुनाव का पोस्टर रखा जाएगा। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को तो दिखा ही रहा है और G20 के जरिए विश्व को भी मंच दे रहा है जिससे वो भी अपने देश की विरासत को दिखा सकें। सही मायने में भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया को शांति और समृद्धि की एक नई राह दिखा रहा है। भारत की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, भारत अपनी उस थीम को यहाँ पर पूरी तरह से निभाता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आज से पहले जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उसमें कहीं भी इस तरह से कल्चर कॉरिडोर नहीं बनाया गया जिसमें उन सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को जगह मिले। तो भारत अपना एक ये अनूठा प्रयोग कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G20 के जरिए जो उनका मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम उसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।